हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू इस वीडियो में देते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 19 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 19 विज्ञान। 19वां सेट का पहला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग के द्वारा पित्त के रस का स्रावित किया जाता है? तो पित्त रस का श्रावण मानव शरीर के किस अंग के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, लीवर के द्वारा, जिगर के द्वारा मानव शरीर में पित्त रस का श्रवण होता है। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल जो है, इनमें से कौन सा ऑक्सीजन का आइसोटोप नहीं है? ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 44। तो ऑक्सीजन का आइसोटोप कौन नहीं है? ऑक्सीजन 44 जो है वो ऑक्सीजन का आइसोटोप नहीं है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा सवाल क्या है, सूरज से पृथ्वी कितनी दूर है? तो सूरज से पृथ्वी जो है कितनी दूर है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना, 149.6 मिलियन किलोमीटर जो है सूरज से पृथ्वी की दूरी है। चौथा सवाल क्या है, आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का पूरा नाम, और इसी से मिलता जुलता एक टर्म है डीएनए। क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और लेकिन इसका आरएनए तो पूछा था, तो आरएनए का पूरा नाम पूछा था राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में किस परत जो पृथ्वी का को घेरे हुए हैं? तो स्ट्रेटोस्फीयर में एक परत जो है पृथ्वी को घेरे हुए हैं, ओजोन परत। तो सही आंसर हो जाएगा ओजोन। और ओजोन परत मुख्य रूप से क्या काम करती है, ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला क्या है, डैश ओस जानवर हैं जो पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं, कौन सा जानवर, इसको क्या बोला जाता है, सर्वहारी। तो सही आंसर हो जाएगा सर्वहारी वो जानवर होते हैं जो पौधे को भी खाते हैं और जानवर को भी। तो सही आंसर हो जाएगा सर्वहारी, पहला ऑप्शन। सातवां सवाल देखते हैं, ये विद्युत चुंबकीय है कौन, अल्फा किरण, बीटा किरण, एक्स किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, यूवी रे। तो सही आंसर हो जाएगा यूवी किरण, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आठवां सवाल है, मानव कान तक कितने डेसिबल का आवाज सुन सकता है? तो मानव कान कितने डेसिबल का आवाज सुन सकता है, 0 डेसिबल। तो सही आंसर है 0 डेसिबल तक की आवाज मानव कान सुन सकता है। नौवां सवाल देखते हैं, वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता को मापने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं, आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, टिंटामीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्रता मापी, हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 11वां सवाल आप देखते हैं, कौन एंटीजन कोशिकाएं हैं? तो एंटीजन कोशिकाएं कौन सा है, माइक्रोफेज जो है एंटीजन कोशिकाएं हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां सवाल देखते हैं, एंटीबायोटिक का उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? तो एंटीबायोटिक का इलाज संक्रमण, स्वर प्रतिरक्षित रोग, वायरस, जीवाणु, इनमें से किसके इलाज में किया जाता है? तो एंटीबायोटिक का प्रयोग जीवाणु के इलाज में किया जाता है, बैक्टीरिया। तो सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, चौथा ऑप्शन। 12वां देखते हैं, ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो ग्रह के गति के नियम की खोज की किसने की थी, न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ग्रहों की गति के नियम की खोज जो है केपलर ने की है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला देखते हैं, इसके द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, सौर थर्मल पावर, सौर थर्मोस्टेट, सौर संचालित फोटोवोल्टिक पैनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सौर संचालित फोटोवोल्टिक पैनल के द्वारा सौर ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। 14वां सवाल देखते हैं, इस मौसम में सबसे ज़्यादा प्रिसिपिटेशन होता है। तो प्रिसिपिटेशन किस मौसम में होता है, सर्दी, गर्मी, बसंत, पतझड़। तो इसका सही आंसर विंटर में, सर्दी इसका आंसर हो जाएगा। 15वां सवाल देखते हैं, पानी की भौतिक शक्तियों के कारण जमीन की ऊपरी सतह का बह जाना क्या कहलाता है? मिट्टी का क्षरण, मृदा अपरदन, बहता मिट्टी का।
तो इसका सही आंसर मृदा अपरदन कहलाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा सवाल देखते हैं, प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक क्या है? तो नेचुरल गैस का मेन प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन का सही आंसर है मीथेन। तो प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक जो है मीथेन है। अगला सवाल देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गैलेन, यार्ड, डेसिबल, फीट। तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक सूत्र दिया है, उसका बताना है उसका नाम क्या है? K2CO3। तो किसका है? पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का शॉर्ट फॉर्म है, सूत्र होता है। अगला है LPG किस गैस के लिए परिवर्णी शब्द है? तो किसके लिए है? रसोई गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगर इसका फुल फॉर्म देखें, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन। विश्वास वाली सेट का आखिरी सवाल देख लेते हैं, कौन एक तरल धातु है? एक तरल धातु कौन है? पारा जो है एक तरल धातु है, तो सही आंसर हो जाएगा पारा। तो ये थे झारखंड दारोगा सेट 19 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल, जो JSSC के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर सभी प्रीवियस ईयर सवाल नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि JSSC में काफ़ी सवाल जो है रिपीटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।